सारे लोगों का माइंडसेट ये भी होता है कि किसी भी तरीके की सिस्टम नहीं है, खुद ने जो बनाई वही सिस्टम। तो नियम भी अपने, कानून भी अपने, बनाएंगे भी अपने, तोड़ेंगे भी अपने, खुद ही बनाते खुद ही तोड़ते, फिर टीम की बात तो कहां से आएगी। तो ये नहीं चलेगा, ये ना इंसाफी है। फिर क्या है, नेवर रिव्यू रेगुलरली। कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि इस साल अगर 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का व्यापार अगर करना है तो आज की तारीख में मैं पहुंचा कहां हूं। पता है कितने लोगों को पता है, कितने लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं अपने व्यापार को, ये आधा कर रहे हैं या थोड़ा ही कर रहे हैं? हाँ, पूरा कर रहे हैं तो बराबर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रैकिंग नहीं कर रहे? तो ट्रैकिंग ना करने का सबसे बड़ा कारण ये रहेगा, आज आप कोई भी बिजनेस में जो डिसीजन लेना होगा ना, वो आप ले नहीं पाओगे। और वो लेना कब होता है, कई लोगों का हिसाब होता है दिवाली से दिवाली, कई लोगों का दिसंबर टू दिसंबर, कई लोगों का मार्च टू मार्च। तो साल के एंड में पता चलता है आप घाटे में हो या प्रॉफिट में हो। अगर डे वन से पता होगा तो आप एक्शन ले पाते हो। तो ये होना जरूरी है स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आप लोगों को सबसे बड़ा देखना रहेगा, हम कई बार गलतियां कर लेते हैं, टैलेंटेड मैन पावर को नहीं रख पाते, जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो, जो हमसे भी ज्यादा मजबूत हो, जो हमसे भी ज्यादा काम करके हमें दे। तो ऐसे लोगों के लिए होता क्या है, फिर हायरिंग ओनली उन लोगों को जो हमें जानते हो, जो हमें मानते हो। और वो कौन होते हैं, हमारे ही नियर डियर वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं लोगों का जमावट हम करते हैं और उन्हीं लोगों को लेकर हम धंधा शुरू करते हैं। फिर हमारा माइंडसेट क्या बन जाता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। सर अपने को मैनेजर चाहिए, सर बजट क्या है, सर 10,000 का बजट है। फिर हमें बोलना पड़ता है, प्रभु 10,000 में ऐसे कैसे बंदे लेकर आए कि जो इनका पूरा बिजनेस मैनेज करके देते। तो ये माइंडसेट जो होता है ना, वो गलत होता है, वहां से बाहर आना जरूरी है। फिर कई बार ये होता है कि दे नेवर ट्रेन देयर टीम। हम अपनी टीम को लेकर तो आते हैं लेकिन उनको ट्रेंड नहीं करते, उनको तैयार नहीं करते। और तैयार ना करने के कारण फिर होता क्या है, उनकी काम में गलती होती है, उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन वो ले नहीं पाते हैं। फिर होता ये है, काम होने की जगह काम बिगड़ता है। और कई लोगों को ये महसूस होता होगा कि मैं अकेला था तब भी मैं इतने का व्यापार करता था, आज मेरे पास 10 लोग हैं फिर भी मैं धंधा इतना ही कर रहा हूं। होता है महसूस कि अब तो अगर डबल हो गए तो बढ़ना चाहिए ना, बढ़ क्यों नहीं रहा? तो बढ़ इसलिए नहीं रहा है कि आपके साथ लोग आ रहे लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे। आपको तैयार होने में धंधे में 5-10 साल लग गए, उस बंदे से आप डे वन से क्या अपेक्षा रखोगे कि वो आपके जैसा काम करके देगा? और हम वो उम्मीद लेकर बैठते बिना ट्रेनिंग दी। तो ये तो ऐसी बात हो गई ना, जंग लड़ने के लिए गए हैं, समझो जंग लड़ने के लिए गए हैं और हमने सामने वाले इंसान को हथियार दिया ही नहीं, और दिया तो सिखाया ही नहीं कि गोली मारना कैसे। तो अब कंडीशन क्या होगी, गोली मार कर आएगा कि खा के आएगा? तो ज्यादातर मामले में खा कर ही आता है। फिर एक वजह निकल कर आती है, नेवर ट्राई टू बिल्ड अ कल्चर। बहुत सारे लोग अपनी कंपनी के अंदर एक अच्छा कल्चर बिल्ड नहीं करते, जो घर के अंदर तो होता है, टीम में नहीं होता है। फिर क्या होता है, राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होता है, एक दूसरे को गिराने का काम चलता है, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र होता है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट देने का काम होता है कंपनी के अनएथिकल कामों के लिए, होता है। फिर कई लोग आपकी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चोरियां हो जाती है। तो ये सारी चीजें होने के पीछे का कारण यही है, उस शख्सियत को जब हम अपने धंधे में लेकर आए उनको एक कल्चर हमने दिया ही नहीं। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कल्चर बिल्ड करने के लिए अलग से बजट बनाती है और अलग से उनको ट्रेनिंग देती है, जिसको ये सिखाया जाता है कि भाई लोगों के साथ काम करने के लिए डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। और इसके कारण हम लोग स्ट्रगल करते हैं। और पांचवा रीजन यहां पर ये निकल कर आता है कि जो हमारी गलतियां होती है, लैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी।
कई लोगों के वहाँ जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो पुराने मशीन को चला चला के उसकी हालत ऐसी ना हो जाए कि वो अंदर से बोले बस बस अबे मुको अबे, तब तक उसको छोड़ते ही नहीं, उसी को पकड़ के चलते। उनका कंप्यूटर का भी वही हाल होता है, उनके गाड़ी का भी वही हाल होता है, उनकी घड़ी का भी वही हाल होता है, उनके कपड़े का भी वही हाल होता है। वो जब तक सामने से ऐसा ना बोलते ना कि अब मुझे छोड़ दो, तब तक वो छोड़ते नहीं, फाड़ के छोड़ते। और उनका घर का सारा काम रोबोट करेगा, इतनी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। अब उसके हिसाब से हम ऐसा सोच रहे हैं कि पुरानी चीजों को ही लेकर चलेंगे, नहीं होगा। हम कई बार जो हमें ट्रेड फेयर होता है, एग्जीबिशन होता है, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप सभी लोगों के बिजनेस के अलग अलग एग्जीबिशन होते हैं, हम जाते हैं, यस, लेकिन कैसे जाते हैं? एज अ विजिटर। लेकिन हमें जाना कैसे चाहिए? एज अ पार्टिसिपेट। तो कुछ लोग जाते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट या एग्जीबिशन में? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उन लोगों के लिए। कितने लोग एज अ विजिटर ही जाते हैं? इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को यह सीखना पड़ेगा कि एज अ विजिटर जब आप जाते हो, आपका काम यह होता है सभी चीजों का ऑब्जर्वेशन करना, लेकिन एज अ पार्टिसिपेट जब आप जाओगे तो ऑब्जर्वेशन भी होगा और साथ में आप अपने लिए लोगों को कनेक्ट भी कर पाओगे और नए लोगों को आप अपने बिजनेस में जोड़ पाओगे। क्लियर? तो ये पांच चीजें जो मैंने आप लोगों के बीच में यहां पर रखी, जिस चीजों को न करने के कारण 97% बिजनेस जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज मार्केट में। तो ये कौन सी वजह थी? सबसे पहली, बिजनेस विदाउट विजन एंड प्लानिंग। दूसरी वजह क्या थी? मिसमैनेजमेंट होता है फंड का। तीसरा रीजन क्या था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। चौथा रीजन क्या था? लैक ऑफ होता है टैलेंटेड मैन पावर। और आखिरी विजन क्या था? इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं हम टेक्नोलॉजी के पीछे। तो ये पांच रीजन हमने यहां पर ऐसे देखे जिसके कारण हमारा बिजनेस जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बात करूंगा कि क्या आप चाहते हैं एक सफल व्यापारी बनना? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुली आगे ग्रो हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम प्लस वर्क आपकी सक्सेस को हासिल करे? तो एक बार आपको अपनी जगह पर खड़े होना है। और एक सक्सेसफुल बिजनेस को अगर हमें ग्रो होना है तो इतनी चीजों के ऊपर काम करना आवश्यक है। कौन सी चीजें जो हम देखते हैं? छह चरण होते हैं किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के, जो छह स्टेप को जिस तरीके से। सबसे पहले हर बिजनेस में होना चाहिए बिजनेस का प्लानिंग, क्योंकि कोई भी चीज का प्लानिंग नहीं होगा ना तब तक वो चीजें हासिल नहीं होगी। सेकंड चीज आपको उसके बाद देखना है आपका फाइनेंस जो है उसको मैनेज करना, क्योंकि फाइनेंस अगर आपने मैनेज नहीं किया होगा तो आपके बिजनेस में जो डेवलपमेंट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आगे ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेंगे तभी आपका बिजनेस अच्छे लेवल पर डेवलप हो पाएगा। सिस्टम और मैनेजमेंट आपको देखकर चलना पड़ेगा। सेल्स और रेवेन्यू मैनेजमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। और उसके बाद आगे आपको सीखना पड़ेगा कस्टमर मैनेजमेंट। तो ये वो छह चीजें हैं जिसको आपने अपने बिजनेस में अगर डेवलप कर ली तो आपका बिजनेस बेहतर ढंग से आगे ग्रो होगा।